अभी हाल में ही आप लोग देख रहे होंगे कि किसान विरोध कर रहे हैं, जो अभी तीन आपके जो विधेयक आए हुए हैं इन पर आपने देखा है कि हरियाणा देख लीजिए, फिर चाहे आप पंजाब देख लीजिए या उत्तर प्रदेश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वैसे तो देश छोटे छोटे तो पूरे देश में आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ, पता है आप लोगों को, कि देखिए मीडिया हो ये दो पार्टों में बटी हुई है, एक विपक्ष एक पक्ष। अब हम लोग देख के भी, मतलब मीडिया के, अगर जो भी मीडिया के जो भी वक्तव्य रहते हैं उन्हें हम लोग सुने तो हम लोग खुद पता नहीं कर सकते हैं कि आखिर इसमें सही क्या है। एक मीडिया क्या करेगी कि उसकी गलत गलत यानी कि बुराइयां बुराइयां दिखा देगी, एक तरफ की उनके पक्ष वाली मीडिया क्या करेगी कि सही सही बिल्कुल सरकार के बारे में अच्छे अच्छे वक्तव्य देगी, यानी कि कोई बैलेंस बना के कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। अब इसी से आप किसान क्या, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी डिसाइड नहीं कर पाता है कि आखिर अच्छा क्या है, इस तरह से परोस दिया जाता है मीडिया के द्वारा, समझ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, अपने लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, और अभी आप देखेंगे तो इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं अपने कर्तव्यों से, अभी मीडिया जिस तरह से चल रही है। तो देख लेते हैं आखिर क्यों विरोध हो रहा है इसका। हाल ही में आप देखेंगे विशेष रूप से पंजाब हरियाणा राज्यों के किसानों द्वारा तीन कृषि विधेयकों की विरोध 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 प्रदर्शन किया जा गया है, जो जून 2020 में जारी किए गए अध्यादेशों को बदलना चाहते हैं। ये विधेयक कृषि वस्तुओं के व्यापार, मूल आश्वासन अनुबंध सहित कृषि सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए स्टॉक सीमा में कृषि अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख पहलुओं में बदलाव लाने की परिकल्पना करते हैं। इन विधेयकों में कृषि विपणन प्रणाली में बहुत आवश्यक सुधार लाने की मांग की गई है, जैसे कि कृषि उपज के निजी स्टॉक पर प्रतिबंध को हटाना या फिर बिचौलियों से मुक्त व्यापारिक क्षेत्र बनाना। हालांकि किसान आशंकित हैं कि इन विधेयकों द्वारा समर्पित मुक्त बाजार की अवधारणा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जिसे आप लोग MSP कहते हैं, प्रणाली को कमजोर कर सकती है और किसानों को बाजार की शक्तियों के प्रति संवेदनशील बना सकती है। एक तो सबसे पहले आप लोग याद रखिए, कई लोगों को दिमाग में चल रहा है कि पंजाब में और हरियाणा में क्यों हो रहा है, तो आप देखेंगे बुंदेलखंड के किसानों की तुलना करके देखिए, बिहार के किसानों की तुलना करके देखिए आप लोग पंजाब से। बुंदेलखंड के किसान पारंपरिक कृषि करते हैं कि उन्होंने बो दिया, ना मिट्टी की उपचार की कोई बात करते हैं, ना गुणवत्ता जांची जाती है, कुछ नहीं किया जाता है, हो गया तो हो गया और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आप सबसे ज्यादा बुंदेलखंड या इन्हीं बाकी क्षेत्रों में देखते हैं सुसाइड के मामले की, किसान आत्महत्या कर रहा है। पंजाब में कभी आपको इस तरह के कम ही केस मिलेंगे, और पंजाब के किसानों की आप हालत देखिए, पंजाब हरियाणा वहां के अगर उनके बच्चे भी होंगे तो BIP स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, आप देखेंगे BIP मतलब कल्चर में वो जी रहे होंगे, 4 व्हीलरों से घूम रहे होंगे। और बुंदेलखंड के किसानों को देख लीजिए या बिहार के किसानों को देख लीजिए, खाने के लिए घर में कुछ नहीं रहता है, वो एक मतलब नियमित रूप से एक बिजनेस की तरह खेती को करते हैं। हरियाणा और फिर आप चाहे देख लीजिए पंजाब, वो खेती करेंगे तो उसी में देख लेंगे कि वो पशुपालन भी करेंगे, समझ रहे हैं, उसी में सभी एक तरह से आपका अपनी व्यवस्था बना के रखते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ याद रखिए, अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब कोई सत्य सत्य नहीं चल रहा होता है, सदन सदन जब नहीं हो सत्य में, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करते हैं कि आर्टिकल 123 यानी कि आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश लाते हैं, ठीक है। तीन कृषि विधेयक जो विवादित हैं कौन कौन से, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, और मूल आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020, और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। एक बात आप लोग याद रखिए, तीनों अभी जो विवाद के कारण बने हुए हैं अभी विधेयक हैं, जैसे ही आप देखेंगे इस पर राष्ट्रपति के सहमति मिलेगी, हस्ताक्षर होंगे, ये अधिनियम में बदल जाएगा, जब तक राज्यसभा लोकसभा में रहता है तब तक विधेयक कहलाता है, ठीक है। एक बात और हमें याद रखनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि किसानों को भरोसे में लेकर इस तरह के काम करना चाहिए। अब देखिए देखिए कि नुकसान किसानों का नुकसान हो रहा है, सरकार भी मतलब एक तरह से आप कहिए कि कोई वो नहीं है, उनका भरोसा जीत के आप कुछ भी काम करते रहिए उनके लिए, अगर उनके फायदे के लिए है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, ये हाल है। विधेयकों के उद्देश्यों की बात करें हम लोग, एक बात तो आप लोगों को बतानी है, मेरे यहां मैंने तो अभी तक नहीं देखा है कि अगर एक किसान
जैसे उत्तर प्रदेश का किसान है और एमपी में जाकर बेच रहा है तो उसके पर कोई पाबंदी लगाई जाती हो? मुझे तो नहीं दिखा है अभी तक। कहा जा रहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य बेच पाएगा किसान। पहले भी मैंने तो देखा है कि एमपी का किसान यूपी में बेचता था, यूपी का किसान एमपी में बेचने के लिए अपनी फसल जा सकता था। मुझे इस तरह का भेदभाव नहीं देखा, आप लोगों को शायद हो सकता है मालूम हो तो आप नीचे बता सकते हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य कृषि उपज बाजार समिति समितियों यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC की सीमाओं से बाहर बिचौलियों और सरकारी करों से मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाकर कृषि व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप को दूर करना है। यह किसानों को बिचौलियों के माध्यम से और अनिवार्य शुल्क जैसे लेवी का भुगतान किए बिना इन नए क्षेत्रों में सीधे अपनी उपज बेचने का विकल्प देगा। यह विधेयक अंतरराज्यीय व्यापार पर स्टॉक होल्डिंग सीमा के साथ साथ प्रतिबंधों को हटाने और अनुबंध खेती के लिए एक ढांचा बनाने की मांग करते हैं। अभी भी तो आप देखते हैं कि आलू की इस तरह की कई बार आप लोग सुनते रहते हैं कि आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी कोई अच्छा बीज क्वालिटी का बीज ले आके दिया देती है किसानों को, और डायरेक्ट उनसे अनुबंध हो जाता है उनका कि आप ये आलू का मतलब ये आलू बोइए मैं आपके आलू खरीद लूंगा, इस तरह से। ये भी अच्छी सुविधा है देखिए, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइवेट हाथों में आ जाए फिर अंग्रेजों के समय हम लोग पहुंच जाए कि जमीन हड़पने की बात होने लगे, तो सरकार का हस्तक्षेप रहना चाहिए और सुरक्षा मिली रहनी चाहिए। साथ ही ये विधेयक बड़े पैमाने पर किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण को बढ़ावा देते हैं और अनुबंध खेती के लिए एक किसान अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करेंगे जहां छोटे किसान भी लाभ उठा सकते हैं। ये विधेयक निजी क्षेत्र का को भंडारण ग्रेडिंग और अन्य मार्केटिंग बुनियादी ढांचे में निवेश करने में सक्षम कर सकते हैं। इन विधेयकों के संयुक्त प्रभाव से कृषि उपज के लिए वन नेशन वन मार्केट बनाने में मदद भी मिलेगी, यानी कि एक तरह से आप कहीं भी जाकर बेच सकते हैं, यही बात की जा रही है, ठीक है, अपने देश में कहीं भी। अब बात करते हैं किसानों और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या क्या है इसमें। एक तो एक तरह से इनके प्रॉफिट हो गए यानी कि लाभ। अब विरोध का कारण क्या है? संघीय दृष्टिकोण। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 APMC क्षेत्राधिकार के बाहर नामित व्यापार क्षेत्रों में अप्रमाणित प्रभावित वाणिज्य के लिए प्रावधान करता है। इसके अलावा यह विधेयक केंद्र सरकार को इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्यों को आदेश जारी करने का अधिकार देता है। हालांकि व्यापार और कृषि के मामलों को राज्य सूची के विषयों का हिस्सा होने के कारण राज्यों में नाराजगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कृषि जो सब्जेक्ट है ये किसमें है, राज्य सूची का विषय है। देखिए, तीन सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। राज्य सूची पर क्या रहता है कि सरकार, राज्य सरकार कर जो भी नियम बनाती है वो राज्य सरकार, संघ पर संघ केंद्र सरकार, और संवर्ती सूची दोनों बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में विरोध है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी होगा, ठीक है। दूसरा है, इसमें विरोध का कारण परामर्श की कमी। पहले अध्यादेश मार्ग और उचित परामर्श के बिना विधेयकों को पारित करने का जल्दबाजी का प्रयास किसानों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच अविश्वास पैदा करता है। ये तो हकीकत है कि अभी आपने देखा है कितने जल्दी से सरकार ने इसे, पहले आपने देखा है अध्यादेश लाई, उसके बाद आपने देखा है कि तुरंत बिना कोई ज्यादा उस पर बहस हुए बिना और तुरंत उस पर पास करवा दिया। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सोचें कि आपका दोनों लोकसभा और राज्यसभा में आपका बहुमत है तो आप कुछ भी लाकर डायरेक्ट थोप दीजिए। एक मतलब बहस होनी चाहिए। ये तो इंदिरा गांधी के समय पहुंच चुके हैं, 1975 से 77 का टाइम देखिए इमरजेंसी का आप लोग। अगर आपके अंदर, अभी आपने देखा है कि अभी पीएम फंड योजना, पीएम फंड बनाया गया था कोरोना के टाइम पर, किसी ने आरटीआई डाली, आपने उस पर आरटीआई देने से मना कर दिया, सूचना देने से मना कर दिया। देखिए, अगर प्रधानमंत्री साहब की हमारी की शुद्ध मतलब साफ छवि है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, अब देखिए, या तो प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री ही नहीं बचे रह गए जो आप शुरू में देखते थे, जब मन की बात होती थी तो आप लोग भी देखते होंगे शायद। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें, तो उसमें वो पॉइंट हुआ करते थे जो एक दृष्टिकोण हुआ करता था देश को आगे ले जाने का। और आज के अगर आप देख लीजिए कोई भी उनका मन की बात, उसमें कोई ऐसा आपको पॉइंट भी नहीं दिखेगा कि जो देश को आगे ले जाने की बात की जा रही हो, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता था कि, मुझे जहां तक लगता था कि प्रधानमंत्री साहब को, अगर प्रधानमंत्री साहब तो हमारे मतलब इतने साफ सुथरी छवि के हैं कि आईटीआई किसी ने डाली थी उसके, उन्हें बोल देना चाहिए था कि हाँ दे दीजिए,
क्योंकि जब देखिए आपका जनता का पैसा है, किसी ने 10 रुपये जमा किए, किसी ने 100 रुपये, जिसके पास जितनी गुंजाइश थी। अब जनता अगर उसका, आप सोचिए कि मांग रही है कितना पैसा कहाँ गया क्या हुआ, हिसाब मांग रही, तो दे देना चाहिए। और आप भी जानिए, आप भी सोचिए कि अगर आप साफ है आपकी छवि और आपके अंदर कोई लुका छुपी वाला काम नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप साफ दे देंगे, कोई भी आपसे जवाब मांगे। तो इस पर बहस होनी चाहिए, और जो जितने भी किसान संगठन थे सबका एक भरोसा लेके इसे पास करना चाहिए था, तो इतना नुकसान भी ना होता और इतना किसान आंदोलन भी नहीं होते। आप देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा देखिए पूरी तरह से जल रहा है कई जगह। इसके अलावा एपीएमसी क्षेत्र के बाहर व्यापार क्षेत्रों को अनुमति देने से किसान आशंकित हो गए। नई प्रणाली ने से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली अंततः बाहर निकल जाएगी। जो एमएसपी की बात होती है, ये मिलना बंद ना हो जाए, किसानों को ये भी डर सता रहा है। गैर एपीएमसी मंडियों में किसी भी विनियमन की अनुपस्थिति, यानी कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। किसानों द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा यह है कि प्रस्तावित विधेयक किसानों के हितों की कीमत पर कॉरपोरेट हितों को वरीयता देते हैं। गैर एपीएमसी मंडियों में किसी भी विनियमन के अभाव में किसानों को कॉरपोरेट से निपटना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे पूरी तरह से लाभ की मांग के उद्देश्य से काम करते हैं। तो ये भी एक तरह से किसानों में डर सता रहा है। गैर अनुकूल बाजार की स्थिति, खुदरा मूल्य दर उच्च बनी हुई है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ों से अधिकांश कृषि उपज के लिए फार्म गेट की कीमतों में गिरावट का संकेत मिलता है। बढ़ती इनपुट लागत के साथ किसानों को मुक्त बाजार आधारित ढांचा उपलब्ध नहीं है, जो उन्हें पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करता है। इन आशंकाओं से बिहार जैसे राज्यों के अनुभव को बल मिलता है, जिसने वर्ष 2006 में एपीएमसी को समाप्त कर दिया था। मंडियों के उन्मूलन के बाद बिहार में अधिकांश फसलों के लिए किसानों को एमएसपी की तुलना में औसतन कम कीमत प्राप्त हुई है। इसमें सरकार की सीधी सी इतनी ही गलती है कि उससे मतलब एक तरह से तानाशाही वाला रवैया नहीं रखना चाहिए। आपका मानते हैं हम लोग कि मतलब आप सोचिए कि जनता ने ही आपको, किसानों हर वर्ग ने आपको भेजा है, तभी आपको बहुमत दिया है दोनों जगह। लगभग आपके पास राज्यसभा में भी बहुमत है, आप तोड़ बोड़ के कर लेते हैं सब व्यवस्था, और लोकसभा में आपके पास बहुमत है। इसका मतलब एक बिल्कुल भी कतई नहीं है कि आप सोचें कि आप बिना बहस के कोई भी मुद्दा पास कर दें, कोई भी बिल ले आके ठोक दें। एक तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री अब हकीकत से हटकर अब मतलब विदेशों जैसी सोच रखने लगे। अभी आपने देखा है निजीकरण का मुद्दा, ठीक है फायदा है निजीकरण के, लेकिन उस लायक हमारा देश होना तो चाहिए। वही है कि बुलेट चलने लायक हमारा बुलेट चलाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप सोचिए हमारे यहाँ स्थिति है वो बुलेट चलाने वाली। अभी आप देखिए, आप मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, तो मैं देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा सरकारी बसें चलती हैं और प्राइवेट बसें चलती हैं आपकी, लेकिन अधिकतर लोग सरकारी बसों से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता है किराया, समझ रहे हैं? लेकिन आप सोचिए जो प्राइवेट बसें हैं उनमें महंगा किराया लगता है, सुविधा ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि सरकारी बसों में लोग जा रहे हैं। तो निजी हाथों में पहुंचने के बाद एक तो क्लियर बात है कि महंगा किराया होगा, सुविधा भले ही सुधर जाए, लेकिन क्या हम लोग भुगतान करने के लिए उतने हैं? हमारे यहाँ आधे से अधिक जनता आप जानते हैं गरीबी में जी रही है। तो हमें अपने देश की स्थिति देख के मुझे लगता है कि नीतियां और कानून बनाना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? या तो पहले आप लोग गरीबी से ऊपर उठाइए, फिर लाइए आप लोग, समझ रहे हैं? आप कह दीजिए कि हॉस्पिटलों का मतलब अस्पतालों का सबका निजीकरण कर दीजिए, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में संभव है? आधे से अधिक गरीबी आबादी में जो रह रहा है वो अभी इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कम से कम करवा तो लेता है, उसके बाद आप सोचिए उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? आप पैसा तो उन्हें दे नहीं रहे हैं। तो एक स्थिति, दूसरा मतलब मुझे लगता है पहलू हमें देख के चलना चाहिए, समझ रहे हैं? कुछ निजीकरण करना अच्छी बात है, निजीकरण बिल्कुल नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन आप सोचिए कि हमें दूसरा मतलब एक पहलू भी देख के चलना होगा, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो इसमें भी किया जा सकता था कि किसानों का अगर भरोसा जीत के आप कुछ भी करते। आपने 370 देखा है ना, पूरे देश का भरोसा जीत कर आपने देखा है, पूरे देश ने आपकी मदद की है, समझ रहे? आपके मतलब साथ खड़ा रहा पूरा देश। कोई भी मुद्दा ले लीजिए आप लोग, राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए, आपके साथ लगभग खड़े रहे सब, देखिए एक कोई भी पर्टिकुलर समूह को छोड़कर। लेकिन आप इस तरह के, आप
मुझे नहीं लगता है कि आपने देखा है, और मीडिया ने क्लियर भी नहीं किया ना, विपक्ष कुछ और कहता रहा, कई मीडिया घराने और कुछ कहते रहे, लेकिन कुछ मीडिया अच्छा ही दिखाती रही, तो किसान खुद मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अच्छा मेरे लिए इसमें फायदा क्या है। वरना आप देख सकते हैं कि कई फायदे हैं इस बिल में। आगे की राह क्या हो सकती है उसे भी देख लीजिए। प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना में सुधार। सरकार को बड़े पैमाने पर एपीएमसी बाजार प्रणाली के विस्तार के लिए फंड देना चाहिए। व्यापार कार्टेल को हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और किसानों को अच्छी सड़कें, प्रमाणे की रसद और वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। राज्य किसान आयोगों को सशक्त बनाना चाहिए। भारी केंद्रीकरण का विरोध करने के बजाय राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य किसान आयोगों के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि मुद्दों पर सरकार की तीव्र प्रतिक्रिया आए। सर्वसम्मति बनाना, केंद्र सरकार को किसानों सहित विधेयकों का विरोध करने वालों तक पहुंचना चाहिए, उन्हें सुधार की आवश्यकता समझानी चाहिए और उन्हें बोर्ड पर लाना चाहिए। लास्ट में कह सकते हैं हम लोग कि मजबूत संस्थागत व्यवस्था के बिना मुक्त बाजार से लाखों असंगठित छोटे किसानों को लाखों का नुकसान हो सकता है, इससे जो उल्लेखनीय रूप से उत्पादक हैं और जिन्होंने महामारी के दौरान भी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि 23-24 के करीब आपकी माइनस पहुंच चुकी है, गिर चुकी है जीडीपी, आप समझ रहे हैं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसी ने अगर मदद की है तो इसमें किसानों ने, अगर वो ही इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ये चिंताजनक बात है। ये तो रहा हकीकत का मुद्दा। अब आपके क्वेश्चन पेपर अगर पूछा जाता है, इस तरह के मुद्दे आप देखते हैं कि आंसर राइटिंग में मेंस में आते रहते हैं, तो आपको बड़ा बैलेंस बना के लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरा आपको अच्छा ही लिख दी नहीं है और विरोध ना लिखें, तो आपको सकारात्मक पॉइंट भी लिखना है और नकारात्मक पॉइंट भी लिखना है, लेकिन दोनों का बैलेंस बनाकर लिखना है, और लास्ट में अपना जो निष्कर्ष होता है उसे लिख देना है। ठीक है, आपको सरकार की ना तो बुराई करना है, किसी भी क्वेश्चन से मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी निबंध भी लिख रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं कहीं भी, तो आप बड़ा बैलेंस बनाकर लिखा करिएगा। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है आपका।